नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के दिन क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या करें और क्या ना करें यह जानने से आप रक्षाबंधन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई भी अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार साल 2020 में 3 अगस्त 2020 के दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन बांधा गया रक्षा सूत्र भाई को अकाल मृत्यु के भय से भी बचाता है। इतना ही नहीं, यह रक्षा सूत्र भाई को उसके प्रत्येक परेशानी से भी छुटकारा दिलाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन पर क्या करें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले बहन को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ और वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए और राखी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पितरों को याद करें और अपने बड़ों का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। राखी के लिए रेशम या रंगीन सूत की डोरी ही लें। आजकल बाजार में बनाई राखियाँ भी मिल सकती हैं। दोस्तों, राखी में स्वर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा रखकर पहले राखी की पूजा करते हैं। राखी की पूजा के बाद अपने भाई का तिलक करें। तिलक करके रोली या कुमकुम का ही प्रयोग करें। भाई को तिलक करने के बाद टीके पर अक्षत जरूर लगाएं। इसके बाद अपने भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह भी मीठा अवश्य कराएं। अंत में भाई को अपनी बहन के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर क्या ना करें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को नाराज ना करें और ना ही किसी भी स्त्री का अपमान करें। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने से पहले रक्षा सूत्र की पूजा अवश्य करें। रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने भाई की राखी बांधने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन किसी भी प्रकार से मांस या मदिरा का सेवन ना करें। रक्षाबंधन के दिन किसी भी प्रकार से अपनी बहन से झूठ ना बोलें। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को राखी के लिए इंतजार ना कराएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को गुस्सा ना करें और अगर आपकी बहन से कोई गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा कर दें। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को उसकी पसंद का गिफ्ट देना ना भूलें और अपनी बहन के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेना ना भूलें और बहन भी अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। रक्षाबंधन के दिन बहन और भाई दोनों को अपने इष्ट का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू।